जॉन मिरन मुंडा आदिवासी किसान मजदूर पार्टी केंद्र अध्यक्ष, वर्तमान में जिला परिषद जीत पाए। आज क्या हुआ? देखिए, चाईबासा विधानसभा 52 के अंतर्गत हमने नॉमिनेशन फाइल किया था और इस नॉमिनेशन में मेरा जो है उसको रद्द कर दिया गया है। रद्द का कारण बताया गया है कि आपको हाईकोर्ट ने 2 साल का सजा को जो है दोषी पाया है, आप इससे छूट आपको नहीं मिलता है, इसलिए आपका नॉमिनेशन को रद्द किया जाता है। लेकिन हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव, इसी निचला कोर्ट का 2 साल का सजा हमने हाईकोर्ट में गए तो वहाँ पर आदेश पारित हुआ और उसी आदेश के तहत हम फिर उड़ीसा चले गए। यही 2024 का लोकसभा चुनाव में केंदुझर जिला से हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, यही 2 साल का आदेश पर। जब एक संविधान एक कानून के तहत उड़ीसा भी आता है, झारखंड भी आता है, जब हम वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं उसी आदेश पर, और जब झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उसी आदेश को नहीं माना जाता है और उसी के ग्राउंड में हमको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है। यह दुख का बात है कि पश्चिमी सिंहभूम आज भी गुलामी का हालात पर जी रहा है। यहाँ पर लड़ने वालों को चुनाव लड़ने नहीं देने का मंशा है, यहाँ पर टाटा और रुंटा का राज चलता है। हम इस मीडिया के माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं, यहाँ पर हमने शुरू से टाटा रूंटा एसीसी से यहाँ का भूख और गरीबी का सवाल पर आवाज़ उठाया है, जिसका नतीजा कि हमको 11 बार झूठा केस में जेल जाना पड़ा, जिसका नतीजा है कि मेरा ऊपर 4 बार सीसीए लगाया गया, हमको 2 बार ताड़ी पार किया गया, 1 बार जेल में 1 साल रखा गया। मतलब हम मजदूर का आवाज़ उठा रहे हैं तो इतना बड़ा अपराधी हो गए, और यहाँ बड़का बड़का अपराधी जो है ना खुलेआम घूम रहे हैं, वो आयरन ओर का लूट कर रहे हैं, उनका पर कोई कार्रवाई नहीं, बालू माफिया भरे पड़े हुए हैं, उनका पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन हम रुंगटा से विरुद्ध, जब चालियामा में प्लांट है, एसीसी का प्लांट है, नोमुंडी माइंस में टाटा कंपनी का प्लांट है, हम मजदूरों का हक का बात करते हैं तो आज हम बड़का अपराधी हो गए। हम यह भी कहना चाहते हैं मीडिया से कि इसी जिला में माओवादी का आतंक है, इसी जिला में उग्रवादी जो है फल फूल रहे हैं, और उनको सरेंडर किया जाता है मुख्य धारा पर लाने के लिए, उनको बोला जाता है कि आप विकास के रास्ते पर आइए। और जब हम संविधान को मानते हैं, हम चुनाव प्रक्रिया को मानते हैं, और जब इसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमको माओवादी से भी बुरा माना जाता है, और उस हिसाब से हम मेरा ऊपर ये कार्रवाई होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप हथियार उठा करके यहाँ पर DC SP के पास हथियार सरेंडर कीजिए, और 15 लाख 1 करोड़ का इनाम अगर है तो आप उसका लाभ लीजिए, लेकिन लोकतंत्र को मानने वाला आदमी को कोई इज्जत नहीं होता है, उसको चुनाव प्रक्रिया में जाने से रोका जाता है। हम कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ बोलते उग्रवादी खत्म हो और दूसरा तरफ उसी उग्रवादी को बोलते हैं कि आप सरेंडर नीति कीजिए, लेकिन गांव-गांव में पीने का पानी नहीं है, गांव-गांव में रोड नहीं है, लोग बिजली के लिए परेशान है, पलायन हो रहा है, माइंस फैक्ट्री में मजदूरी लूट हो रहा है, रोड बन रहा है टूट रहा है। अगर इस बात को हम उजागर करते हैं तो ये प्रशासन के लिए हम बहुत बड़ा अपराधी हो गए। ये दुर्भाग्य है आज़ादी का 78 साल में इस तरह का तानाशाही प्रशासन का, ये दुर्भाग्य है, और इसको हम लोग हाईकोर्ट में चैलेंज करें।